बाड़मेर के चामुंडा सर्किल पर पिछले कई दिनों से हालात एक बार फिर से खराब हो रखे हैं। दरअसल यहां से हाईवे की तरफ निकलने वाला नाला कई जगह से क्षतिग्रस्त हो जाने से गांधीनगर मुख्य रोड पर पिछले 5 दिनों से गंदे पानी के तालाब बने हुए हैं। गंदे पानी के तालाब सड़कों पर होने से वाहन चालकों के साथ साथ यहाँ के क्षेत्रवासी भी परेशान हैं। बाड़मेर के चामुंडा सर्किल पर पिछले कई दिनों से हालात एक बार फिर से खराब हो रखे हैं। यहाँ से हाईवे की तरफ निकलने वाला नाला कई जगह से क्षतिग्रस्त हो जाने से गांधीनगर मुख्य रोड पर पिछले 5 दिनों से गंदे पानी के तालाब बने हुए हैं। गंदे पानी के तालाब सड़कों पर होने से वाहन चालकों के साथ साथ यहाँ के क्षेत्रवासी भी परेशान हैं। दरअसल चामुंडा सर्किल के पास इस नाले के और फ्लो होकर गंदे पानी के सड़कों पर पसरने से समस्या बरसों पुरानी है। करीब 2 दशक की इस समस्या का नगर परिषद अब तक कोई हल नहीं ढूंढ पाई है। हालांकि नगर परिषद द्वारा लाखों रुपए खर्च कर नाले की ऊंचाई बढ़ाने के साथ ही तमाम प्रयास किए गए, लेकिन नतीजा हमेशा सिफर ही रहा। कुछ समय बाद ही नगर परिषद के इस प्रयासों की पोल खुल जाती है। चामुंडा सर्किल के पास हालात यह हैं कि पूरे दिन गंदे पानी के तालाब बने रहते हैं। इसको लेकर यहाँ के बासिंदों ने कई बार शिकायत भी की, लेकिन उन्हें इस समस्या से छुटकारा नहीं मिल पा रहा। सड़क पर गंदा पानी भरा होने से जहाँ आवागमन करने वाले वाहन चालकों को परेशानी से गुजरना पड़ता है, तो यहाँ आसपास रहने वाले लोगों के गंदगी और बदबू से बुरे हाल हो रखे हैं। गांधीनगर साहब नालो है, बार बार टूट रहे हैं, लोग सुनाई नहीं रहे, मोहरे पाइप जाना फूटे हैं, गंदो पानी जाए दुनिया भर जाना पूरे हैं, वेस्टिंग हो रही है, फालतू लोग हैं, परेशान हो रहे हैं, पानी जावा दुनिया भर में तो फॉल्ट नहीं मिल रहा है। गांधीनगर है, गांधीनगर है, चमुंडा चौराहे, हाँ गांधीनगर चमुंडा चौराहे, हाँ ये बात देखो नहीं जाना पूरे है, मोहरे पाइप जाना आउट है, देखो नाला है फूटे, बार बार कोई कर्मचारी आ देखे है, सुधार करे कौन करोगी। राष्ट्रीय राजमार्ग 68 पर चामुंडा सर्किल के पास गंदे पानी का नाला यहाँ के बासिंदों के लिए जी का जंजाल बना हुआ है। क्षतिग्रस्त नाले व तकनीकी खामियों की वजह से यहाँ नाला आए दिन और फ्लो हो जाता है और नाले की गंदगी सड़क पर आ जाती है। दूषित पानी की वजह से यहाँ के लोगों का जीना मुहाल हो गया है। वहीं दूसरी ओर नगर परिषद 2 दशक गुजर जाने के बावजूद इस नाले की समस्या का समाधान नहीं कर पाई है।